नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक और नई वीडियो में। मेरा नाम है प्रदीप, आप देख रहे हैं टेक्नोलॉजी अब। मेरे को काफ़ी सारे भाइयों के मैसेज आते हैं, काफ़ी सारे कमेंट मेरे को देखने को मिलते हैं। मेरे जो इंस्टाग्राम आईडी है, ट्विटर आईडी है, जिसका नाम है आई प्रदीप शर्मा, कहते हैं कि प्रदीप भाई, हमने जो है एडवांस पीएफ का पैसा निकालने के लिए इलनेस पारा सेलेक्ट किया था या फिर कोई दूसरा पारा सेलेक्ट किया था, 10 दिन हो गए हैं, 1 हफ्ता हो गया है, हमारा क्लेम जो है अभी भी अंडर प्रोसेस शो हो रहा है, कब तक सेटल होगा। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको जो इसके बारे में जानकारी दूंगा और आपको दिखाऊंगा। मैंने भी जो है हमारे एक फैमिली मेंबर का जो है एडवांस में पीएफ का पैसा निकालने के लिए अप्लाई किया था इलनेस पारा के तहत, और कब मैंने अप्लाई किया, कितने दिन में सेटल हुआ, जब ये वीडियो पूरी आप देख लेंगे तो आपको जो है इसके बारे में जानकारी मिल जाएगी, आपको आइडिया आ जाएगा कि भाई जो क्लेम है कितने दिन में सेटल होते हैं, और अगर आपका क्लेम अभी भी अंडर प्रोसेस आ रहा है तो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप उसको सेटल करवा सकते हो, ठीक है, क्या आपको करना पड़ेगा। तो ये जो वीडियो है आप सभी पीएफ मेंबर्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। अगर आपने फॉर्म 31 अप्लाई किया था या फिर फॉर्म 1910C अप्लाई किया है तो भी इस वीडियो को पूरी देखना, अच्छी तरह से समझना, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे कि कितने दिन में जो है क्लेम सेटल होते हैं, कंप्लीट जानकारी मिलेगी। तो इसी बात पे एक लाइक तो बनता है, और आगे भी इस तरह की हेल्पफुल नॉलेज वीडियो पीएफ से संबंधित पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और यार, अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लीजिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां पर मैं जो है पीएफ से संबंधित जो भी कोई नया अपडेट आता है सबसे पहले अपडेट प्रोवाइड कर देता हूँ। चलिए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको जो लाइव दिखा देता हूँ, तो यहाँ पर चलते हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर। तो यहाँ पर मैं आ गया हूँ अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर, और यहाँ पर मैंने ईपीएफओ का जो यूएन मेंबर का पोर्टल है उसको भी ओपन कर लिया है, और यहाँ पर जो है ईपीएफओ का जो पासबुक का पोर्टल है उसको भी मैं ओपन कर लेता हूँ, यहाँ पर देख सकते हो। बाकी इन दोनों का जो लिंक है वो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जैसे उस लिंक पर आप प्रेस करेंगे तो यूएन मेंबर का पोर्टल ये ओपन हो जाएगा और पासबुक का पोर्टल ये ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर जो है सबसे पहले यहाँ पर डिटेल मेंशन करके साइन इन करके मैं आपको दिखा देता हूँ कि कब क्लेम क्या था, अभी क्या स्टेटस आ रहा है, फिर यहाँ पर पासबुक पोर्टल पर भी आपको दिखाऊंगा। चलिए यहाँ पर डिटेल मेंशन कर देते हैं। तो यहाँ पर सक्सेसफुली साइन इन हो गया है, एक अलर्ट देखने को मिलता है, इसको कर देते हैं लेटर। इस अलर्ट के बारे में मैंने एक वीडियो बना रखी है कि क्यों आता है, इसका क्या कारण है, तो उस वीडियो का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अब यहाँ पर देखिए ऑनलाइन सर्विसेज का जो ऑप्शन है इस पर मैं क्लिक करता हूँ, और यहाँ पर ट्रे क्लेम स्टेटस का जो ऑप्शन है ये मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर स्टेटस दिखा रहा है, यहाँ पर ट्रैकिंग आईडी दिखा रहा है, यहाँ पर फॉर्म टाइप, हमने फॉर्म 31 अप्लाई किया था, कब सबमिट किया था पोर्टल पर, ये जो यूएन मेंबर का पोर्टल, यहाँ पर रिक्वेस्ट कब सबमिट हुई थी, 14 दिसंबर 2022 को सबमिट हुई थी रात के 9:10 पर, और आज है 29 दिसंबर, 14 दिसंबर को हमने जो है सबमिट किया था, और जो है ईपीएफओ के पास कब जो रिक्वेस्ट थी वो चली गई थी, तो वो गई थी 15 दिसंबर 2022 को सुबह 12:46 पर, और करंट स्टेटस देख सकते हो यहाँ पर आ रहा है क्लेम सेटल्ड, यानी कि क्लेम सेटल हो गया। अब जो है 14 दिसंबर को हमने जो है अप्लाई किया और 15 दिसंबर को ईपीएफओ के पास रिक्वेस्ट चली गई, तो कितने दिन में क्लेम सेटल हुआ, आज है 29 दिसंबर 2022, ठीक है, लाइव आपको दिखा रहा हूँ, और यहाँ पर देख सकते हो हमने जितने भी क्लेम किए हैं सेटल 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 हुआ है। ये जो है इसलिए सेटल नहीं हुआ क्योंकि ईपीएफओ की गलती थी, उसके लिए मैंने जो है ग्रीवेंस भी रजिस्टर्ड कर दी है, तो आने वाले टाइम में हम जो है दोबारा से फॉर्म 31 अप्लाई करेंगे मैरिज के लिए, तो ये जो है सेटल हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसको मैं लॉग आउट कर देता हूँ, तो यहाँ पर मैंने लॉग आउट कर दिया है, अब यहाँ पर लॉग इन करके मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने पूरी डिटेल मेंशन कर दी, लॉग इन कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए सेलेक्ट मेंबर आईडी, यहाँ पर जो है पीएफ मेंबर आईडी सेलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद व्यू क्लेम स्टेटस इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ, और यहाँ पर नीचे की तरफ आ जाते हैं। अभी मैंने दिखाया था ना कि फॉर्म 31 जो रिजेक्ट हुआ था वो मैरिज की वजह, मैरिज का, वो कह रहे हैं कि आप जो है इसके लिए, इस बेनिफिट के लिए एलिजिबल नहीं है, तो हम एलिजिबल थे बट पता नहीं ईपीएफओ ने ढंग से चेक नहीं किया, तो मैंने इसके लिए ग्रीवेंस रजिस्टर्ड कर रखी है, ठीक है। तो आने वाली वीडियो में आपको दिखाऊंगा कि कैसे आप जो है अगर क्लेम आपका रिजेक्ट हो जाता है और आप उसके लिए एलिजिबल हो, फिर भी कहते हैं ईपीएफओ कि आप नॉट एलिजिबल हो, तो कैसे आप ग्रीवेंस रजिस्टर कर सकते हो। अब यहाँ पर नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर देख सकते हो क्लेम आईडी दिखा रहा है, यहाँ पर क्लेम रिसिप्ट डेट 15 दिसंबर 2022 को ईपीएफओ को जो है रिक्वेस्ट मिली थी, फॉर्म 31 हमने अप्लाई किया था, पारा डिटेल इलनेस का पारा हमने सेलेक्ट किया था। मैं आपको बता दूं अगर आपको नहीं पता तो इलनेस पारा के तहत आप हर महीने जो है एडवांस में पीएफ का पैसा विड्रॉ कर सकते हो महीने में एक बार। टोटल अमाउंट अप्रूव कितनी हुई, 66,600 रुपए, और डिस्पैच डेट 28 दिसंबर 2022, क्लेम स्टेटस
सेटल्ड, और यहां पर रिमार्क देख सकते हो, योर क्लेम, क्लेम आईडी यहां पर दे रखी है, हैज बीन सेटल्ड, पेमेंट सेंड वाया एनईएफटी ऑन 28 दिसंबर 2022, और आज क्या है 29 दिसंबर 2022, यानी कि हमने रिक्वेस्ट सबमिट करी थी 14 दिसंबर को। तो यहां पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 15 दिन में जो है एडवांस के लिए हमने जो रिक्वेस्ट डाली थी, एडवांस पीएफ का पैसा निकालने के लिए हमने रिक्वेस्ट जो सबमिट करी थी, तो 15 दिन में जो है क्लेम जो है हमारा सेटल हो गया। देख सकते हो 15 दिसंबर को ईपीएफओ के पास गई थी, हमने रिक्वेस्ट डाली थी 14 दिसंबर को, और जो है यहां पर दिखा रहा है 28 दिसंबर को ईपीएफओ की तरफ से जो है पेमेंट भेज दी गई है एनईएफटी के द्वारा, देख सकते हो यहां पर साफ साफ, और आज है 29 दिसंबर 2022, ठीक है। और ये वीडियो आप देख रहे हो 29 दिसंबर 2022 को ही आप देख रहे हो, मैं ये जो है आज ही वीडियो ये शूट कर रहा हूं। तो आपने देख लिया कि 15 दिन लगते हैं, मैं आपको अपनी पिछली वीडियो में भी कहता आया हूं मेरे भाइयों और मेरे बहनों, कि अगर आप एडवांस में पीएफ का पैसा निकालने के लिए अप्लाई करते हो, चाहे इलनेस पारा के लिए, पारा के तहत आप अप्लाई करो, या फिर आप जो है इसके साथ साथ आप कोविड के लिए, ईपीएफओ बोलता है कि 3-4 दिन में क्लेम सेटल हो जाता है पर फिर भी 10 दिन तो लग जाते हैं, तो अगर आप फॉर्म 31 अप्लाई कर रहे हो एडवांस के लिए, चाहे इलनेस पारा के लिए आप कर रहे हो, या फिर आप जो है मैरिज के लिए अप्लाई कर रहे हो, होम कंस्ट्रक्शन के लिए कर रहे हो, या फिर एजुकेशन के लिए, हायर एजुकेशन के लिए अप्लाई कर रहे हो, कहने का मतलब ये है कि अगर आप फॉर्म 31 आपने अप्लाई किया है एडवांस में पीएफ का पैसा निकालने के लिए और आपका सब कुछ ओके है, तो 15 दिन में आपका जो क्लेम है वो सेटल हो जाता है। ईपीएफओ खुद कहता है कि अभी ये जो कोरोना की महामारी चल रही है इसमें जो है एडवांस में पीएफ का पैसा क्लेम जो है लगभग जो है 15 दिन लग रहे हैं, 15 दिन में जो है क्लेम सेटल हो जाता है। और अगर आप अब ध्यान से सुनना, फॉर्म 19 और 10 सी अप्लाई किया है फुल एंड फाइनल सेटलमेंट के लिए, तो फिर उसमें जो है 25 दिन मिनिमम मान के चलो, 25 दिन के बाद ही आपका जो है क्लेम सेटल होगा। यानी कि कहने का मतलब ये है कि फॉर्म 19 और 10 सी के लिए आपको 1 महीने का वेट करना पड़ेगा क्लेम सेटल होने के लिए, और एडवांस के लिए आपको जो है 15 दिन का जो है आपको वेट करना पड़ेगा। अब आप कहोगे कि प्रदीप भाई हमारे एक दोस्त का तो जो है एडवांस में क्लेम जो है 1 हफ्ते में ही जो है सेटल हो गया, तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, देखिए इसमें भी एक बात है, बात ये है कि काफ़ी सारे ईपीएफओ के जो क्षेत्रीय कार्यालय हैं, जो रीजनल ऑफिस हैं, कई पीएफ ऑफिस में जो है क्लेम के जो मामले हैं वो कम हैं तो जल्दी सेटल हो जाएगा, और कई जो पीएफ के क्षेत्रीय जो कार्यालय पीएफ ऑफिस है वहाँ पर जो क्लेम है वो काफ़ी ज़्यादा हैं तो वो जो है वहाँ पर टाइम लगता है। अब मान लीजिए ये है गुड़गांव का पीएफ ऑफिस और ये है दिल्ली का, यहाँ पर जो है 5 ही क्लेम पड़े हैं, छठा आपने डाल दिया तो आपका जो है जल्दी हो जाएगा, और यहाँ पर पहले से ही आपका क्लेम, आपने जो रिक्वेस्ट सबमिट करी है उससे पहले ही जो है 100-150 जो है क्लेम पेंडिंग है, तो आपका लेट होगा, क्योंकि पहले जो आपने, आपसे पहले जिन्होंने अप्लाई किया था उनका क्लेम सेटल होगा फिर आपका जो है होगा। तो इस तरह से काफ़ी सारे जो पीएफ ऑफिस हैं किसी में जो है कम क्लेम रहते हैं, इसी वजह से उनका जल्दी सेटल हो जाता है, और काफ़ी सारे जो पीएफ ऑफिस हैं उसमें जो है क्लेम ज़्यादा रहते हैं तो इसी वजह से थोड़ा सा टाइम लगता है। बट रफली आइडिया मैं आपको बताऊं, मैं आपको अपनी पिछली वीडियो में भी कहता आया हूं कि अगर आप एडवांस के लिए पीएफ का पैसा निकाल रहे हो तो फॉर्म 31 अप्लाई कर रहे हो तो आपको जो है 15 दिन वेट करना है, और फॉर्म 19 और 10 सी अप्लाई कर रहे हो तो 25 दिन आपको वेट करना है। एडवांस में पीएफ का पैसा निकालने के लिए आपने अप्लाई किया, 15 दिन कंप्लीट हो गए, अभी भी जो है अंडर प्रोसेस आ रहा है, तो 2-3 दिन और वेट कीजिए अगर शनिवार संडे आ रहा है तो, उसके बाद आप जो है ग्रीवेंस डाल दीजिए। अगर आपने फॉर्म 19-10 से अप्लाई किया था और जो है अभी भी जो है 25 दिन 1 महीना हो गया, 1.25 महीना हो गया, अभी भी अंडर प्रोसेस आ रहा है, तो भाई आप क्या कर रहे हो? जैसे 25 दिन कंप्लीट हो जाए आप जो है ग्रीवेंस डालिए कि 25 दिन हो गए हैं, मेरा सब कुछ सही है, क्यों आप जो है मेरा जो है क्लेम सेटल नहीं कर रहे। अगर आपको नहीं पता कैसे ग्रीवेंस रजिस्टर करते हैं क्लेम सेटल करवाने के लिए, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं इसके ऊपर एक जो है सेपरेट डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। तो बस आज की वीडियो में यही जानकारी आप सभी के साथ शेयर करनी थी, आशा करता हूँ इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ जानकारी मिली होगी और आपको जो है आइडिया आया होगा क्लेम सेटल के बारे में, और आगे भी इस तरह की हेल्पफुल नॉलेज वीडियो बनाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते जल्द एक और नई जानकारी, एक और नई इन्फॉर्मेशन के साथ, अपना ख्याल रखिएगा। टेलीग्राम चैनल को अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लीजिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। बाय बाय, टेक केयर।